उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी राहत की खबर इस वक्त, जहां जय प्रताप सिंह कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कनिका कपूर के जो आयोजन किया गया था, जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें वो भी शामिल थे। और जब से कनिका कपूर को लेकर वो खबर सामने आई पॉजिटिव उनके होने की, उसके बाद तमाम उन लोगों का कोरोना को लेकर सैंपल्स जुटाए गए और राहत भरी खबर ये कि नेगेटिव पाए गए हैं। और संदीप फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बहुत बड़ी राहत की खबर, क्योंकि कल से ही जिस तरह से कनिका कपूर का मामला सामने आया था, हड़कंप लखनऊ में मच गया था और काफी दिन ऐसे में बीत गए और अंदाजा ही लगाया जा रहा था कि कई जगहों का रुख इस दौरान मंत्री ने किया होगा, तो ऐसे में संकोच जहां पे था, अब कहीं ना कहीं वो साफ होकर आ गया इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। जिस तरह से कह सकते हैं कि कल जब कनिका कपूर के बारे में पता चला और उसके बाद कह सकते हैं कि महकमे के साथ साथ हर जगह पे एक हड़कंप मच गया था, क्योंकि देखिए इस पार्टी में तमाम ऐसे लोग शामिल थे और जिसमें अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की, जो इसमें शामिल थे, और जिसके बाद कहा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने तमाम कैबिनेट में हिस्सा लिया था, तमाम दौरों में लिया था, जिसके बाद कह सकते हैं कि एक चिंता जताई जा रही थी कि कहीं जो कोरोना वायरस की पहुंच है वो उन तमाम लोगों तक, बात चाहे मुख्यमंत्री की या बात करें तमाम जनता की, वहां तक तो नहीं पहुंच गई। लेकिन जिस तरह से आज जो एक रिजल्ट आया है जिसमें बिल्कुल जो है निगेटिव आया है, तो लोगों ने कल जिस तरह से हड़कंप मचा उस मामले को लेकर, लगातार सभी यहां पर निशाने में थे और उनको लेकर ये लगातार सोचा जा रहा था कि क्या वो पॉजिटिव तो नहीं। लेकिन सबसे पहले R9 टीवी यहां पर ये साफ कर रहा है और राहत भरी जो खबर है वो लखनऊ के लिए यहां पर बता रहा है, जिस तरह से अंदेशा था कि क्या कुछ और लोग भी इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं, तो बड़ी राहत की खबर R9 टीवी सबसे पहले यहां पर दिखा रहा है, जहां पर जय प्रताप सिंह मंत्री, जिनका जो कोरोना को लेकर जो टेस्ट हुआ था वो नेगेटिव यहां पर पाया गया है। तो क्या यहां पर संदीप माना जाए, अभी कुछ और लोगों के भी सैंपल्स आने हैं तो उनका भी इंतजार करना यहां पर बाकी है? जी देखिए, जाहिर सी बात बता दें, 10 लोगों की और रिपोर्ट भेजी गई है स्वास्थ्य महकमे के लिए, जिनकी रिपोर्ट का आना भी बाकी है। लेकिन जिस तरह से देखिए देखा जा रहा है कि जय प्रताप सिंह की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है, तो जहां तक लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आएगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए जय प्रताप सिंह की रिपोर्ट आने के बाद तमाम लोगों ने राहत की सांस ली। बात करें अगर महकमे की बात करें, अब अगर प्रशासन की भी बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका जो दौरा था वो लगातार प्रशासनिक रहता है, तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद होते हैं, तो कह सकते हैं कि तमाम बड़े आला अधिकारी ने भी एक राहत की सांस ली है, क्योंकि तमाम लोगों इंतजार कर रहे थे उनकी रिपोर्ट का। तो जिस तरह से आज उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, कहीं ना कहीं से किसको एक अच्छी खबर भी देखा जा रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है जो बाकी लोग उनके साथ में अटैच। लेकिन संदीप ये बताइए, कहा जा रहा था कि इस दौरान उनका परिवार भी वहां पर मौजूद था, तो क्या उनकी रिपोर्ट भी आने भी बाकी है, उसका भी इंतजार करना होगा हमें? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जयप्रताप सिंह के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी, जिस तरह से ये लोग पार्टी में शामिल हुए थे, हालांकि अभी उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है तत्काल लोगों को बताया जाएगा। अभी मेडिकल की तरफ से किसी भी तरह की कोई कह सकते हैं कि प्रेस नहीं जारी की गई है, लेकिन अभी सबसे पहले, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य मंत्री थे, जहां तक एक मामला जो है वो जुड़ा हुआ था, तो जिसके सबसे पहले उनकी रिपोर्ट को लोगों के सामने रखा गया है, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई है। चलिए, धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने।